ये मंदिर देखिए यार, कितनी अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है, कितनी हाइट पे है, और मनाली से भी है 2-3 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। अजगर के साथ फोटो खिंचवानी है तो कोई यहाँ पे खिंचवा सकता है। वेरी डेंजरस। एक और योद्धा आते हैं महाभारत के युद्ध में, जिनका नाम था वीर बरबरीक, जो कि घटोत्कच के पुत्र थे, जिनको अब आज के टाइम में हम खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं। तो दोस्तों, अनिरुद्ध भाई ने हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिए थे मनाली में, तो उसके बाद हमने ये रूम लिया है आज के लिए। तो यहाँ तक, यहाँ पे मैं रुकूँगा शाम तक। तो मेरे को बस बेसिकली अपना लगेज रखना था यहाँ पे, ताकि मैं घूम फिर सकूँ कहीं पे लोकल मनाली में, जो जो कुछ है तो उसको एक्सप्लोर कर सकूँ। वो रूम भी मतलब डिसेंट है, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी के भी नहीं है। तो यू विल गेट डिसेंट रूम्स। तो ये होटल है, होटल डे एंड नाइट। तो अभी हम निकल रहे हैं, हमारा प्लान है एज पर नाउ कि बाहर लोकल देखे, मनाली के आसपास की जो चीज़ें हैं उसको कवर करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, आपको मिलते हैं मनाली की गलियों में। दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं हडिम्बा टेम्पल के लिए। तो ये जो पीछे देख रहे हैं डे नाइट होटल, ये मैंने स्टे लिया था कोई 5-6 घंटे के लिए, रूम चाहिए बेसिकली, मैंने अपना सामान ही रखना वहाँ पे। तो आपने देखा होगा जिन लोगों के साथ मैंने चंद्रताल तक का बाइक राइड करा था, तो वो मेरे को इसी होटल में मिले थे। तो उनके साथ ऐसे ही मिला, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम भी चंद्रताल ही जा रहे हैं, तो मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। तो देन अभी हम जा रहे हैं यहाँ से हडिम्बा टेम्पल। तो यहाँ से कोई 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है हडिम्बा टेम्पल का, आपको मिलते हैं अभी हडिम्बा टेम्पल में। तो दोस्तों अभी हैं हम मनाली की गलियों में, सो दिस इज़ मॉल रोड। तो अभी यहाँ से हम देखते हैं कोई हमें कन्वीनियंस मिलेगी हडिम्बा टेम्पल तक जाने के लिए, बाकी उतनी देर आपको दिखाते हैं मॉल रोड के नज़ारे। तो अभी मैं बैक कैमरा करता हूँ, सो यू कैन एंजॉय द व्यूज ऑफ मॉल रोड। तो दोस्तों दिस इज़ द मॉल रोड ऑफ मनाली। तो हमारा मॉल रोड के बिल्कुल पीछे ही था जो, जहाँ पे हमने स्टे लिया है होटल में। तो अभी हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल। तो हडिम्बा टेम्पल के बाद हम देखेंगे जो जो लोकल यहाँ पे अच्छी अच्छी प्लेसेस होंगी उसको कवर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रौनक ज़बरदस्त, ऑसम ऑसम। यहाँ पे एक और टेम्पल है, सो लेट मी चेक द नेम ऑफ द टेम्पल। दुर्गा माता का मंदिर है, तो इसको हम अभी बाहर से ही माथे टेक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और हमें बाकी की चीज़ें भी कवर करनी है। जय माता। तो अभी हम देखते हैं हमें कहाँ से कन्वीनियंस मिलेगी हडिम्बा टेम्पल के लिए। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे रौनक है पूरी इस टाइम पे। वहीं फ्लैग के पास से आई थिंक हमें हडिम्बा टेम्पल के लिए कोई कन्वीनियंस मिलेगी। तो पहले दोस्तों हम सबसे पहले हडिम्बा टेम्पल होके आते हैं, फिर आके मॉल रोड को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे एंड आपको बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, क्या क्या फेमस है। तो फिलहाल मिलते हैं हम हडिम्बा टेम्पल के रास्ते में, आपको ज्वाइन करते हैं दोबारा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं हडिम्बा टेम्पल का जो थोड़ा सा ट्रैक है 200 मीटर का, उस पॉइंट पर। तो अभी हमने यहाँ तक कैब करी थी, तो कैब से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसा है रास्ता हडिम्बा टेम्पल का। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हडिम्बा टेम्पल का अपना जो छोटा सा आप कह सकते हो कि ट्रैक है 1400 मीटर का। ये यहाँ पे लोकल शॉप्स हैं, अगर किसी ने कुछ बाय करना है। देखिए यहाँ पे सीनरीज भी हैं, आपने कस्टमाइज़ करवाना है कुछ वो भी करवा सकते हो। ये यहाँ पे प्रसाद है किसी ने अगर चढ़ाना है तो। काफ़ी मतलब छुपा हुआ है टेम्पल बीच में, आसपास में ग्रीनरी ग्रीनरी है, वो रहा आई थिंक टेम्पल। हाँ दोस्तों, आज से मैं कोई 8-9 साल पहले आया था हडिम्बा टेम्पल, वो तब तो हम अभी ग्रेजुएशन में थे और दोस्तों के साथ आए थे। अभी तो सोलो राइड पे हैं, तो मतलब सोलो राइड आप कह सकते हो कि अमृतसर टू मनाली एंड मनाली टू अमृतसर।
तो ये आ गई अपनी एंट्रेंस हिडिंबा टेंपल की। ओ तेरी, यहाँ पे ये भी है एडवेंचर, अजगर के साथ फोटो खिंचवानी है तो कोई यहाँ पे खिंचवा सकता है। वेरी डेंजरस दोस्तों, देखिए मतलब कैसे वादियों के बीच में ये टेंपल है हिडिंबा टेंपल। तो इसकी कुछ स्टोरी मेरे को हिंट तो है, बाकी किसी से कंफर्म करके प्रॉपर स्टोरी आपको बताएंगे। तो यहाँ से हैं टेंपल की सीढ़ियाँ, तो ये है दोस्तों सामने टेंपल, इन एंड आउट दोनों लिखा हुआ है यहाँ पे। टेंपल इज ओपन, तो यहाँ पे हमें शायद जूते उतारने पड़ेंगे। दोस्तों अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, तो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए अंदर का व्यू तो नहीं दिखाया। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये लाइन लगी हुई है, एंड वो वहाँ पे मेन मंदिर है जहाँ पे दर्शन होते हैं हिडिंबा देवी के। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और, अगर यहाँ पे देखने का है नहीं तो फिर हम वन विहार चलते हैं। तो आपको बाकी एक बार मैं इसका सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ आपको कि जो मंदिर है जहाँ पे, तो वहाँ से क्या नज़ारा है। तो दोस्तों ये यहाँ पे मंदिर है, ये ऐसे इस शेप में बना हुआ है मंदिर। तो ये आसपास यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, एंड यहाँ पे ये शेर की एक मूर्ति है, एंड ये रॉक्स हैं बड़े बड़े जहाँ पे लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। एंड ये है मंदिर की एंट्री, बट वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो एक बार आपको आगे तक दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पे और व्यूज़, यहाँ क्या यहाँ की स्पेशलिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है डूंगरी वन विहार, बट वहाँ पे इतना कोई रश लग नहीं रहा यार। बट इधर को चलते हैं, इधर लोग जा तो रहे हैं, लेट्स सी इधर क्या है खास, क्योंकि सारे जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं यार। दोस्तों इधर देखते हैं, इधर वाली साइड क्या है आगे, मे भी हो सकता है कोई और एक मंदिर हो यहाँ पे। तो दोस्तों पीछे था हिडिंबा देवी का मंदिर, यहाँ पे देखते हैं अभी आगे जाके क्या आता है। पर यार आप लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। यहाँ पे मैं लास्ट टाइम जब विजिट करा था तो इधर भी आया था, यहाँ पे कुछ वो एनिमल्स की सवारी टाइप होता था। बाकी देखते हैं एक बार चल के क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो हम ऊपर चल के आ रहे थे, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी फन गेम्स ही हैं, जैसे आपने देखा होगा बॉल से 5 गिलास गिराने। भैया थैंक यू। यहाँ पे ये लोकल मार्केट है छोटी सी, अगर किसी ने कुछ खरीदना है। और हाँ यार यहाँ पे ना योग की सवारी होती है, बट हम नहीं करेंगे यार। ये देखिए आई थिंक यहाँ से इसका फिर एग्जिट आ जाता है मंदिर का। एक पिछली साइड भी कोई वन विहार था, ये तो एग्जिट आ गया यार। उधर से घूम के इधर से बाहर एक बार फिर से इधर ही चलते हैं यार। इधर जाके ना एक जगह रह गई थी, वहाँ पे वन विहार लिखा हुआ था, कोई डोंगरी वन विहार करके था, तो एक बार उसको कवर करते हैं कि उधर क्या है। तो दोस्तों उतनी देर में आपको इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो इस मंदिर की हिस्ट्री जो है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो महाभारत काल में एक हिडिंब नाम का राक्षस होता था, जिसने पांडवों के अज्ञातवास में उन पर हमला कर दिया था। तो भीम ने इस राक्षस को मार गिराया था, इनका जो युद्ध था काफ़ी भीषण युद्ध चला था। तो युद्ध के बाद भीम ने उस राक्षस को मार गिराया था। उस राक्षस की एक बहन थी हिडिंबा, तो हिडिंबा जो थी वो भीम से शादी करना चाहती थी। उसने भीम को बोला कि आप मुझसे शादी कर लो, पर भीम ने पहले मना कर दिया। बाद में माता कुंती के समझाने पे भीम ने हिडिंबा से शादी करी। तो माता कुंती ने बोला कि जो हिडिंबा है उसका अपने भाई के सिवा और कोई नहीं था दुनिया में। तो उसके बाद उन दोनों के बीच में तय ये हुआ कि भीम जो है वो 1 साल तक हिडिंबा के पास रहेंगे, जब तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती।
इसके बाद वे अपने भाइयों के पास लौट जाएंगे। तो जो हडिंबा और भीम का पुत्र था उनका नाम घटोत्कच रखा गया था। तो इन्होंने महाभारत के युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने अपनी जीवन का बलिदान देकर एक करण के द्वारा छोड़ी गई अचूक शक्ति को अपने ऊपर ले लिया था, जो कि करण ने सिर्फ अर्जुन की मृत्यु के लिए बचा के रखी हुई थी। उसके बाद जब ये युद्ध ख़त्म होने वाला था तो उसके ठीक पहले एक और योद्धा आते हैं महाभारत के युद्ध में, जिनका नाम था वीर बर्बरीक, जो कि घटोत्कच के पुत्र थे, जिनको अब आज के टाइम में हम खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं। दोस्तों, हम खाटू श्याम जी की हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। हम बहुत जल्दी ही खाटू श्याम जाएंगे, जो कि राजस्थान सीकर ज़िले में स्थित है मंदिर। तो वहाँ पे जाके आपको मेन स्टोरी बताएंगे इसकी। अभी देखते हैं ये डोंगरी वन विहार, यहाँ पे अंदर क्या है, क्या स्पेशलिटी है। दोस्तों, यहाँ पे ये डोंगरी वन विहार है। यहाँ पे छोटी सी टिकट है इसकी, 10 रुपये टिकट है और ऊपर पार्क है। तो हमने यहाँ पे अभी टिकट कटवाई और अभी हम देखते हैं ऊपर क्या नज़ारे हैं यार। यहाँ पे इधर को देख सकते हैं आप, सिटी साइड का थोड़ा व्यू है यहाँ पे। जल्दी से हम चढ़ते हैं ऊपर, देखते हैं। भैया ने बोला है कि यहाँ पे 1 किलोमीटर का टोटल है ट्रेल है, तो ये घूम के सारा, ये पार्क है ऊपर कोई, वो देखते हैं। अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऊपर झूले वगैरह लगे हुए हैं, बाकी देखते हैं ऊपर क्या है ऐसा स्पेशल। कुछ तो होगा यार, बंदर ने टिकट रखी है, चाहे 10 रुपये हैं बट टिकट इज़ टिकट। लिखे क्या लिखो, रेड जंगल हो। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के हैं जो वो बोर्ड लिखे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, बताया हुआ उन्होंने कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्विंग भी है अगर किसी ने बैठ के झूला झूलना है। तो देखते हैं बाकी यहाँ पे क्या और स्पेशल है। यहाँ पे खाने पीने का भी दोस्तों कुछ है, वैसे तो हमें भूख नहीं है, फ्रेश जूस सेंटर है, आनंद रस जूस सेंटर। तो आई थिंक रास्ता तो उधर से ही है, इधर तो कुछ दिखा नहीं, इधर बस जूस का ही है, साव किताब सा। तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों ऊपर, लेट्स गो। इसके बाद हमें वन विहार भी जाना है और देन हमारी बस भी बोर्ड करनी है हमें। तो यहाँ पे मेरे को कुछ इतना इसका समझ नहीं लग रहा, लोग तो आगे तक गए हुए हैं, बाकी देखते हैं यार, चलते हैं। अल्कोहल बेवरेजेस आर प्रोहिबिटेड, बिल्कुल यार, क्योंकि यह मंदिर का परिसर है तो मंदिर में तो अल्कोहल पाप है ना। बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है जहाँ पे ये टेंपल है। तो आई थिंक ये एंड पॉइंट होगा, यहाँ इसके आगे देखते हैं अगर कुछ मिलता है हमें। तो मेरे ख्याल से तो क्या लिखा हुआ है, ये पवित्र सरोवर माँ हडिंबा का है। ये दोस्तों एक बार देखते हैं कि ये क्या है यहाँ पे, जय माँ हडिंबा, ये पवित्र सरोवर माँ हडिंबा का है, कृपया करके यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं, सरोवर में कूड़ा करकट ना फेंके, उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना व दंडित किया जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, यहीं तक का था आई थिंक ये डोंगरी वन विहार, यहाँ से वापस ही होगा मेरे ख्याल से। तो करते हैं यहाँ पे वापसी, इधर से वापस चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ये डोंगरी वन विहार से वापस जाने लगे थे, तो यहाँ पे जूस की शॉप है, तो एक बार ट्राई करते हैं यार इनसे कुछ पी लेते हैं, यार प्यास लगी है, चलिए कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पे। चेक कर दो आप, स्ट्रॉबेरी चेक कर दो। दोस्तों यहाँ पे है ये डोंगरी वन विहार में भैया की शॉप है, आनंद रस फ्रूट जूस सेंटर। तो प्यास लगी थी, मैं कहा यार चलो पी लेते हैं,
क्योंकि ऊपर चढ़ के आए हैं अभी इतना रास्ता। तो अभी यहाँ से हम चलेंगे वन विहार को, जो ओरिजिनल वाला है। ये तो डोंगरी वन विहार था। तो इतनी देर हम जूस का वेट करते हैं, जूस पीते ही हम निकल जाएंगे, देन हम अमृतसर के लिए वापसी निकलेंगे। दोस्तों अभी हम निकलते हैं हडिम्बा टेम्पल से, क्योंकि हमें जाना है वन विहार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ से। टेम्पल का व्यू तो बड़ा अच्छा है। अभी हम चलेंगे वन विहार, यहाँ वाला वन विहार तो देख लिया, बाकी टेम्पल तो अच्छा व्यू था यार। ये फ्रंट का व्यू है टेम्पल का दोस्तों। तो यहाँ से अब हम करते हैं वापसी। तो ये हडिम्बा मंदिर की हिस्ट्री लिखी हुई है, एक बार हिस्ट्री चेक करते हैं यार इसकी। तो ये मैं थम इसका वीडियो में एक शॉट डाल दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मंदिर की हिस्ट्री का बोर्ड लगा हुआ है, तो इसमें वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। तो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये जो मंदिर का निर्माण है, ये सन 1553 में कुल्लू के राजा ने यहाँ पे निर्माण करवाया था। तो जो कुल्लू का दशहरा है वो हडिम्बा देवी ने ही शुरू किया था। तो इस जो दशहरे में ये हडिम्बा देवी की पालकी का भव्य स्वागत किया जाता है। तो ये दशहरा यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र होता है। तो दोस्तों यहाँ था हडिम्बा टेम्पल। तो हडिम्बा टेम्पल से अब हम जा रहे हैं वापसी को। तो इसकी एंट्री इधर से थी एंड एग्जिट शायद इधर से है। तो अभी हम यहाँ से एग्जिट करते हैं एंड चलते हैं मॉल रोड की तरफ। और मॉल रोड पे ही वन विहार है। सबसे पहले हम जाएंगे अब वन विहार, फिर वन विहार कवर करके देन हम निकलेंगे मॉल रोड पे। मॉल रोड पे कुछ घूमेंगे, कुछ अगर शॉपिंग करनी होगी थोड़ी शॉपिंग करेंगे एंड देन फिर हम वापसी निकलेंगे घर को। तो दोस्तों अभी हम हडिम्बा टेम्पल से बाहर निकल चुके हैं। ये ऊपर भी कोई रास्ता जाता है, ये मैं पूछ के यहाँ पे आगे आपको बता दूंगा किसी शॉट में किधर जाता है रास्ता। तो बाकी अभी हम जाएंगे मनाली मॉल रोड वापस एंड वहाँ से फिर हम देखते हैं वन विहार। तो दोस्तों ये वो शॉप है जहाँ से हमने 8 साल पहले यहाँ से फ्रूट बर्फी परचेज करी थी। तो टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा था। तो हम अभी दोबारा आए हैं कोई 8 साल बाद, तो बड़ी मुश्किल से इनकी शॉप ढूंढी है भैया की।